हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है संडे और संडे को सब लोग घर पे ही हैं और आज यहाँ सबकी है बैटरी डाउन। तो यहाँ पर अभी आज मैं बना रही हूँ दलिया। तो दलिया को मैंने थोड़ा भून लिया है कढ़ाई में और फिर कुकर में पानी डाल के उबलने रख दूँगी। मीठा बनाऊँगी तो दूध इसमें बाद में ऐड करूँगी। तो अभी मैंने कुकर में रख दिया है और कढ़ाई को मैंने ढक के रख दिया है। अभी बज रहे हैं 10 और यहाँ पर आज सबकी है तबीयत ख़राब। देखिए अधीरा जी तो बहुत हालत ख़राब हो रखी है। आज यहाँ हो रही है सबकी तबीयत ख़राब, सबकी बैटरी डाउन है। मेरे को भी जुकाम हो रहा है, गला बैठा हुआ है कि भी हालत डाउन है। अधिराज को सर्दी जुकाम बहुत हो रखा है, इनके पापा को भी हो रखा है। अभी मैंने बनाया है दलिया दूध वाला मीठा, तो वही सब लोग खाएंगे थोड़ा थोड़ा। 10:30 हो गए तो सुबह उन्नति भी देर से उठी थी, इसके पापा भी देर से उठे थे और मैं तो 5 बजे से जग रही हूँ। 4 बजे से, मतलब 4 बजे से जगे, दोनों बच्चों ने परेशान कर रखा था 4 बजे से। किसी को खांसी आ रही है, किसी को छींक आ रही है, कोई सो नहीं रहा है, कोई रो रहा है। तो बस मेरी भी आज आवाज़ अजीब सी हो रखी है। तो चलिए फिलहाल अभी हम नाश्ता कर लेते हैं। अधिराज अंदर रो रहे हैं तो फिर देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक भगोने में दूध में दलिया को उबाल लिया है थोड़ा सा और इसमें चीनी डाल दी है। और अब मैं पहले भगवान जी का भोग लगा दूँगी, लड्डू गोपाल जी का, उसके बाद फिर सबको सर्व करके दूँगी। तो यहाँ हमारा दलिया रेडी हो चुका है और बस बैटरी डाउन है तो इसलिए वीडियो एडिटिंग देर से हो रही है थोड़ी। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने अब। तो यहाँ उन्नति जाएंगे अभी दवाई लेने और इनके पापा दवाई दिला के लाएंगे, होम्योपैथिक दवाई दिलाएंगे क्योंकि एलोपैथी खा रहे हैं तो इन लोगों को एलर्जी हो रही है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि होम्योपैथिक दवाई दिला देती हूँ। तो बस मैं इसे तक रेडी कर रही थी और अधिराज तो आज मुझे छोड़ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो इसको गोदी में लेके मैं उन्नति के हेयर कॉम कर रही थी और बस हेयरबैंड लगा दूँगी क्योंकि चोटी करने नहीं देगा और बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, अपने पापा के गोदी में भी नहीं रुक रहा था। उन्नति तो गई है दवाई लेने अपने पापा के साथ और अधी को मुझे सुलाना है अभी, तो बस इसको सुलाऊंगी, फिर उसके बाद खाना पीना बनेगा। और आज बैटरी बिल्कुल डाउन है, तो बोलती कि तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए फिर आप बने रहिए हमारे साथ। तो 1 बजने वाला है और मैं जा रही हूँ थोड़ी छीलने। तो यहाँ उन्नति और उन्नति के पापा दवाई लेके आ चुके हैं और बस दवाई समझा रहे थे मुझे ये। और उन्नति भी कह रही थी कि मम्मा मैं ये वाली दवाई खा लूँगी, और सिरप वगैरह ये नहीं पीती है, बहुत ड्रामे दिखाती है पीने में। तो होम्योपैथी दवाई है तो आराम से बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पर बस मैं तुरई अपनी तड़का लगा के छौंकने जा रही हूँ। ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालते हम लोग, सिर्फ तड़कर वाली बनाते हैं, फिर इसमें नींबू डाल देते हैं। तो ये खट्टी खट्टी जो होती है ना सूप वाली, अच्छी लगती है। तो बस मैंने यहाँ पर अपनी तुरई बनने रख दी है। और यहाँ मैंने उन्नति के पापा को एप्पल काट के दिया है और उन्नति भी खाएंगी अभी। तो उन्नति यहाँ पर थोड़ी स्टडी कर रही है क्योंकि मंडे को इनका एग्ज़ाम है। तो बस यहाँ पर मैंने भी ने कैरेट और एप्पल और खीरा दिया है कट करके। तो जब तक खाना बन रहा है तब तक ये लोग खा लेंगे। मास्क तुम्हारा है कहाँ बेटा? ठीक, थैंक यू, रखो इसमें अपना। तो उन्नति जा रही हैं शॉपिंग करने और शाम का टाइम है। दोपहर में खाना पीना खा के थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ पर उन्नति उन्नति के पापा थोड़ा सामान लेने जा रहे हैं क्योंकि संडे का ही टाइम मिलता है, तो उसके बाद फिर पूरा संडे ही आता है। तो बोले कि चलो ले आते हैं जाके, तबीयत क्या है, तबीयत तो चलती रहती है। तो ये लोग बस जा रहे हैं सामान लेने। 6:30 हो रहे हैं, अधिराज को मैंने भाभी को दे दिया है। मैं जा रही हूँ कटिंग कराने अपनी क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है, संडे का ही टाइम होता है बस। तो बस मैं जा रही हूँ, स्कूटी से जाऊंगी, इसके पापा कार ले गए। तो स्कूटी की कहाँ है भाई, की स्कूटी की। तो यहाँ पहुँच के हमें पार्लर, और ये मेरी फ्रेंड का पार्लर है, पास में ही रहते हैं हम लोगों के। तो यहाँ पे ग्लो शाइन ब्यूटी पार्लर और बहुत ही अच्छा पार्लर है ये। तो बस यहाँ पर मुझे कटिंग करानी थी और बाल बहुत मेरे झड़ रहे थे, हेयर फॉल बहुत हो रहा था और मेरी केयर भी नहीं हो पा रही थी अभी बालों की बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा इनको कटिंग करा के थोड़ा छोटा करा लेती हूँ जिससे केयर हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर अपनी कटिंग करा रही हूँ और
पसीना हो गया है मैडम। इनका पार्लर है और ये बहुत अच्छी ओह माय गॉड बहुत अच्छा मेकअप भी करती है। अच्छा हो गया ये देखो हमने मैम का हेयर कट चेंज कर दिया जैसे मैम चेंज हो गई है पूरी। अच्छा आप भी तो मैं आ गई हूँ घर पे और बज चुके हैं 8। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक कटिंग होने के बाद। लोग बताएगा कटिंग मेरी कैसी लग रही है। अभी आज अभी सो रहा है नीचे, मैं गई थी अभी देखने उसको तो अभी सो रहा है वो, तो अभी बोल रही थी मैं पहुँचा दूँगी जब उठ जाएगा। तो मुझे लग रहा है उन्नति उसके पापा भी आ चुके हैं। और ये रही मेरी पोनी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बाल छोटे हो गए। थक गए इतना सामान लाने में, क्या क्या ले आई शॉपिंग करके आ गई उन्नति देवी। तो यहाँ पर उन्नति और उन्नति के पापा आ चुके हैं शॉपिंग करके, मतलब सामान लेके मंथ का जो होता है पूरा राशन पानी। तो बस यहाँ सामान आ चुका है हमारा। ये क्या व्हाट इज दिस स्टिकर और उसमें आधा सामान तो तुम्हारा ही होगा, पढ़ती पढ़ाती तो हो नहीं तुम। तो दीदी को देने जा रही नीचे, पढ़ रही है वो नीचे। तो यहाँ उन्नति स्टडी कर रही हैं और अधिराज बैठे हैं अपने पापा की गोदी में और ये बहुत ज्यादा शैतान हो गए हैं, रुकते नहीं है अकेले। हो तो ये पापा की गोदी में लेटे हैं, मैं खाना बना रही हूँ। तो चलिए मैं अपना ये वाला ब्लॉग जो है वो यहीं एंड कर रही हूँ और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ढेर सारे कमेंट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।